गर्म होता है नहीं यार, पानी आन रहे पानी पीणार? अरे पानी पीणार का? अरे राजा पानी पीतो का? हाँ? अरे बोल, पी पानी। अरे पी मेरी जान। अरे उगी उपटायला ठेवलंय का तुला इथे? हा पी 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 पाणी। अरे पी ना। छोड़। हा अरे बोल। बोल बड़ीचा बोल, कुठे ठेवलाय बॉम्ब? हा काय? अरे क्या पूछ रहा हूं मैं, किधर रखा है बॉम्ब? ए फेंचोत। काय साहेब बोलवतात? आलो सांग। तीन घंटे? तीन तास वेळ तुझ्याकडे? किती? तीन तास सांग। बॉम्ब कुठे? अगर तीन घंटे के बाद बोलेगा तब भी मरेगा, नहीं बोलेगा तब भी मरेगा। पक नहीं ना बोलायचं? ठीक आहे बक, जास्तीत जास्त तीन पर्यंत मोजेल। किती? तीन। हा भुकला तर ठीक, नाही तर तुझी मर्जी। हे बघ इकडे बघ, बघ ना, हे एक दोन तीन। चहा पाण्याचं बघा त्याच्या। बोलला काय? भडवीचा तोंडच उघडत नाहीये। बाराचा आहे साला, एवढा कुथवला त्याला मगासचा तरी तोंडात ना एक शब्द निघत नाही त्याच्या। शांत व्हा। हे बघा साहेब, तुम्ही आता काहीतरी करा, नाही तर मला माझ्या पद्धतीने जाऊ द्या। पुढच्या तीन तासात हा जर का ओकला नाही ना तर वरून आपली ठासतील हो।
आणि तुम्ही या गोष्टी इतक्या सिरियसली? मोरे शांत व्हा. साहेब मी बघ मी बघतो. हे बस कर रे. एक चहा पाठव. ये रे कहाँ पे रखा है बम? कहाँ है लोकेशन? ठीक मैं बाकी हो जैसा हूँ नहीं. तू बता मत मैं सच में नहीं सोचूंगा. समझ रहे? प्यार से बता दे, टाइम कम है तेरे पास. अभी बताएगा तो कुछ कर पाऊंगा मैं तेरे लिए. तेरे को घर वर कुछ नहीं कह रहे? फिकर नहीं किसी को? घर वालों की फिकर. तू हंस रहे? हंस क्यों रहे? रूम 42. क्या रूम 42? फर्स्ट फ्लोर, सितारा होटल, मॉडल कॉलोनी, टीवी शेल्फ के नीचे, पहला बम. सहारा गार्डन, एम्पीरियल रोड, दूसरी बेंच के बाजू वाले डस्टबिन में दूसरा बम. SB रोड, HP पेट्रोल पंप के पीछे वाली टॉयलेट में, पहली सिंक के नीचे,
तीसरा बम। एक नहीं तीन तीन बम है। हाँ मोरे बरोबर पाठत लोकेश। साहब किन्हें रखवाए, किसने रखवाए, नाम बता। देख तो कुछ नहीं होगा, पूरे प्रोटेक्शन में। साहब आपके नाक के नीचे से तीन बम लगा के आया हूं मैं, प्रोटेक्शन किसको चाहिए बताओ। क्यों बुलाए मेरे को यहाँ पे फिर है? अच्छा बताइए आपके घर पे कौन कौन है? जाऊ ना मग भेटू ना तेवढं वेळ। बरं ऐक रात्री उशीर आहे, उद्या बोल। नाही वाट बघू नकोस, उद्या बोल। सोच लीजिए इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। बीबी है। सिर्फ बीबी है और कोई नहीं है? बेटी भी है 3 साल की। सेम है साला। क्या सेम? सोच लीजिए साहब, सुबह का समय है, इतवार का दिन है, आप अपने घर पे आराम से बैठे हो, आपकी बीवी आपके लिए अदरक वाली चाय बना रही है, आपकी 3 साल की बेटी आपके साथ खेल रही है, बड़ी आराम वाली लाइफ है, आप सोच रहे हो टेंशन ही नहीं है। पर तभी 4 लोग आपका दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, आपके सामने आपकी बीवी को और आपकी 3 साल की बेटी को मारने लगते हैं, आपको भी मारते हैं, बहुत मारते हैं। कोशिश आप भी करते हो कुछ करने की, लेकिन आपके सामने वो लोग आपकी बीवी के माथे पे बंदूक रख के बोलते हैं कि ये 3 जगह पे बम रख के आओ वरना उसको उड़ा देंगे। आप बोलते हो नहीं, वो लोग फिर से धमकाते हैं, बोलते हैं आखिरी बार नहीं है, आप फिर से बोलते हो नहीं, नहीं रखेंगे आप। आपको लगता है कुछ नहीं होगा पर तब भी आपके सामने
आपकी बीवी का भेजा उड़ा देते वो लोग। आप देखते रहते हैं सिर्फ, काफी शोर शराबा है आजू बाजू में, मगर आपको सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, आपकी 3 साल की बेटी चिल्ला रही है। क्या कर सकते आप? कुछ नहीं। वो लोग आपके सामने आपकी बेटी को लेके उठा के चले जाते, बोलते हैं कि बम नहीं रखा, तो आपकी बेटी को भी जला देंगे। आप देखते रह गए, क्या कर सकते हैं? ना पुलिस के पास जा सकते हैं, ना किसी की मदद ले सकते हैं। आप अपने हाथों से आपकी बीवी को दफनाते हो, और 3 बम लगा के आते हो, और सोचते हो कि आपकी बेटी सही सलामत वापस आ जाए आपके पास। पर तब भी पुलिस आपको पकड़ लेती है और पूछती है कि घर वालों की फिक्र नहीं है क्या? तेरी बेटी को? बेटी की फिक्र नहीं है साहब, बेटी मौज कर रही है मम्मी के साथ। क्या चाहते हैं तू? सिर्फ मिलना चाहता हूँ साहब, उनसे मिलना चाहता हूँ। मतलब? घोड़ा रख दीजिए साहब, घोड़ा दे दीजिए मेरे को।